हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 190 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और फ्राइडे को 5% की एक भयंकर हमें यहां पर गिरावट भी देखने को मिली है। हालांकि इंडिया बुल्स में एक बढ़िया रैली आई थी, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ी गिरावट की तरफ अब शेयर आगे जरूर बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शेयर 190 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का क्या यहाँ पर ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको ये क्या करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 190 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में इंडिया बुल्स में 13% की गिरावट आई है। एक बढ़िया रैली आई थी, यहाँ पर 240 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर काफी ज्यादा दबाव बना है और काफी ज्यादा ये शेयर करेक्ट हो चुका है। अभी 1 साल की अगर हम बात करें तो इंडिया बुल्स पिछले 1 साल में 64% की गिरावट है। 575 रुपए तक का हाई था, भयंकर गिरावट आई, शेयर पहुंच गया था 170 रुपए तक, लेकिन बाद में एक रैली आई, आप देख रहे हो ये रैली 340 रुपए तक पहुंच गया, शेयर डबल हो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक भयंकर गिरावट और आ गई कोविड के चलते, 90 रुपए तक शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई और वही 90 रुपए का शेयर 240 रुपए तक पहुंच गया, और अब वापस एक गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है, और ये शायद जो गिरावट है वो थोड़ी और बड़ी हो सकती है। यहाँ से पिछले 3 साल की हम बात करें तो इंडिया बुल्स में 83% की गिरावट है, 1419 रुपए के लेवल से कंटिन्यूअस शेयर टूटा है। बीच बीच में काफी ज्यादा इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे, कई ज्यादा इनके ऊपर कोर्ट में केस भी चले थे, और इसी चलते शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल गई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी काफी ज्यादा यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगे थे, और यही एक रीजन था कि शेयर टूट रहा था। कई बार इनके खिलाफ केस हुए, दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, और भी कई ज्यादा यहाँ पर हियरिंग हुई, विसल ब्लोअर की तरफ से बताया गया कि भैया यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू चल रहे हैं, ये है वो है, और शेयर एक के बाद एक टूटता चला गया, भयंकर गिरावट आई। बाद में तेजी भी आई, लेकिन उतनी बड़ी तेजी नहीं आई जितनी बड़ी वापस गिरावट आई, फिर हल्की सी तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, और अब तो शेयर एकदम टूट के बिखर चुका है। इंडिया बुल्स मिड कैप स्टॉक है ये, 8216 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भी तो न्यूज में आप देख सकते हैं कि भैया रिलीफ मिली है दिल्ली हाई कोर्ट से, एनसीडी पेमेंट को लेकर, ये पेमेंट को लेकर, विसल ब्लोअर के लेकर, ग्रांट इंटरिम रिलीफ ग्रांट 3 है, तो कंट्रोवर्सीज में काफी ज्यादा रहा है। और किसी भी शेयर में आज के वक्त में जब कंट्रोवर्सीज होती है तो उसका बाद में निकल पाना वहां से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एनएसई में देखें तो 4 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जरूर प्रमोटर ने और एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। 23.66% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 38.66% की होल्डिंग एफआईआई के पास है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.17% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर कट डाउन कर ली है और ऑलमोस्ट एग्जिट होने के कगार पर पहुंच चुके हैं वो लोग। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो इंडिया बुल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास तकरीबन 19.40% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 7 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा है, 277 एफआईआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो लाइफ एलआईसी है, जिनके पास 10.72% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.40% के आसपास है। देखिए, 300% का डिविडेंड इन्होंने इस साल पे किया है। इससे पहले ये जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती थी, लेकिन अब इन्होंने डिविडेंड काफी कम पे किया है। काफी बड़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती थी इंडिया बुल्स एक वक्त में, क्योंकि डिविडेंड से मालामाल करने वाला ये शेयर हुआ करता था, लेकिन अब हालत थोड़ी सी खस्ता हो रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, बहुत ही कम और सस्ते पी के ऊपर शेयर अवेलेबल है। 3.76 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.06 है। बुक वैल्यू 349 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.54 है। काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अभी आपको अवेलेबल दिख रहा होगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कभी भी कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ से निकल आती है और शेयर टूट के बिखरना शुरू हो जाता है। 95% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। तो 95% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, उनका कहना है कि भैया दमदार शेयर है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत इंडिया बुल्स में जो मुझे दिख रही है वो ये है कि पिछले 5 क्वार्टर से
कंपनी का जो जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो चुका है। आप देखिए मार्च 2019 में कंपनी ने 1,065 करोड़ का मुनाफा कमाया था, 1,065 करोड़। जून में वो कम होकर 790 करोड़ पहुंच गया, सितंबर में वो कम होकर 702 करोड़ पहुंच गया, दिसंबर में वो कम होकर 545 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन अब तो 126 करोड़ पहुंच चुका है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनके मुनाफे कम हो रहे हैं और जून में और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी इनके प्रॉफिट्स में। हो सकता है कि लॉस में भी चला जाए, लेकिन हालांकि चांसेस कम है लॉस में जाने के, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि पिछले 5 क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम हो रहा है। तो ये किसी भी तौर पर एक अच्छे साइन यहाँ पर नहीं है किसी भी बड़ी कंपनी को लेकर, खास करके इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी इतनी बड़ी दमदार कंपनी है, उनके लिए ये कोई अच्छा साइन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है कि प्रॉफिट्स यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो आप देखिए कंपनी वो हम कह सकते हैं कि भैया बढ़िया ग्रो कर रही है जिनके प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, प्रॉफिट हर साल एकदम नीचे दसते जा रहे हैं। हालांकि शेयर की प्राइस भी तो नीचे यहाँ पर दस रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, सॉरी शेयर होल्डर में अगर हम बात करें तो प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर के पास जो पहले 21.67% की होल्डिंग थी, आज वो 23.66% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा पहले 12% की होल्डिंग गिरवी थी, आज एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो काफी अट्रैक्टिव ये चीज यहाँ पर आपको लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक डार्क साइड भी है और वो ये है कि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। एफआईएल के पास पहले 55.67% की होल्डिंग थी, बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल ने यहाँ पर कट डाउन की है, सिर्फ 38.66% की होल्डिंग है। उससे भी ज्यादा अगर हम यहाँ पर देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के पास तो चलो कि होल्डिंग यहाँ पर बरकरार है, 10.79% की होल्डिंग 10.82% है, लेकिन म्यूचुअल फंड एग्जिट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2.86% की होल्डिंग 0.17% ही रही है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा कि प्रमोटर भले खरीदारी कर रहे हैं लेकिन एफआईएस और म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, तो ये एक सही चीज यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे। ओवरऑल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मैं बात करूँ तो देखिए इन इस शेयर के ऊपर आने वाले 1-2 महीने के लिए प्रेशर और ज्यादा रहेगा, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर 170 175 रुपए से भी नीचे जा सकता है। तो अभी 190 रुपए के दाम पर खरीदारी करने की मेरी राय बिल्कुल भी नहीं है। अगर सस्ते भाव पर ये आपको मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, मुझे लगता है कि 150 रुपए पे ये शेयर जा सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है, वेट करें, गिरावट का इंतजार करें, और गिरावट आने पर अगर आपको यहाँ पर खरीदारी करने का मौका मिले तब आप कर सकते हो, लेकिन 150 रुपए से महंगा तो मैं आपको खरीदने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ, हो सकता है कि जब 150 रुपए तक पहुंच भी जाए तब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाए, तब बात कुछ और होगी, तो तब उसके वैल्यूएशन चेक किए जाएंगे, और जरूर मैं आपको वीडियो के द्वारा अपडेट भी कर दूंगा, लेकिन अभी तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि शायद 165 से 170 रुपए तक भी टूट सकता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको रिस्क लेना है तो आप बने रह सकते हो, लेकिन अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो मेरे हिसाब से एग्जिट करना एक सही डिसीजन यहाँ पर होगा, और बेटर है कि आप बाकी अच्छे शेयर्स पर पैसा लगा दें, ना कि इंडिया बुल्स में, क्योंकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज है। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि एक वक्त का दमदार शेयर हुआ करता था, लेकिन अभी वो वक्त बदल चुका है, तो इसलिए मैं अभी तो खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि शेयर अभी भी टूट सकता है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।